नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को नौवीं बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी और दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने यह कदम दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार करने के बाद लिया है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल की टीम का अगला कदम क्या होगा, केजरीवाल को किस तरह राहत मिल सकती है, वहीं इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले देख लेते एक रिपोर्ट। ये हंगामा, ये नारेबाजी, ये प्रदर्शन, ये तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों की हैं। जी हाँ, दिल्ली की सरकार यानी कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ईडी ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गुरुवार शाम को ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद से देश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। वहीं इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी का कहना है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। उन्होंने आगे लिखा, रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को पद का मद है, मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। सीएम यादव ने कहा कि अपने देश का इतिहास है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो वह सबसे पहले अपना इस्तीफा देता है। हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक का कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। खैर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश भर का पारा गर्म है तो वहीं केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुई ये सियासत क्या मोड़ लेती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। इस डिबेट में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गोलदेव शेख हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोहिया, आप प्रवक्ता रीना सक्सेना हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गोलदेव शेख जी। गोलदेव शेख जी, लगातार ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के रेड डाल रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है। विपक्षी कह रहा है बीजेपी डरी हुई है इसीलिए रेड डलवाई जा रही है।
नहीं, देखिए आपने दुनिया में किसी भी चोर को कभी सुना कि वो कहता हो कि हम चोर हैं और इसलिए पुलिस ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है? तो जो चोट्टे होते हैं इसी प्रकार के तर्क देते हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, पिछले 4 महीने में 9 बार ईडी ने उनको नोटिस दिया, केवल पूछताछ का नोटिस था, वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे। कल वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने जब उनकी अपील को रद्द कर दी, उसके बाद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। और अभी मुझे लगता है थोड़ी देर में राउस एवेन्यू कोर्ट का भी निर्णय आ जाएगा। और लेकिन सवाल ये भी है, विपक्ष ये कहता है ये जो रेड पड़ती है, जो कार्रवाई होती है, विपक्ष पे क्यों होती है, बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं होती? क्या बीजेपी में कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, या बीजेपी में भ्रष्टाचार होता ही नहीं? मैं तो इन लोगों को चुनौती देता हूँ, एक काम करें कि यदि इनको बीजेपी का कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नजर आता है तो आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट डालें और उस पर कार्रवाई करवा दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये। इसी प्रकार से जब इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो बीजेपी के नेता जाते थे कोर्ट में और बाकायदा कोर्ट के थ्रू इस पर कार्रवाई करवाते थे, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए केवल जुबानी खर्च करते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय है ना भाई साहब, मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि स्वराज से शराब तक, आप से तुम तक और तुम से तू तक का सफर इस पार्टी ने बहुत तेजी से, बहुत गति से तय किया है। जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है रीना सक्सेना जी। रीना सक्सेना जी, ईडी ने 9 बार समन भेजा, उसके बावजूद भी केजरीवाल नहीं पहुंचे, इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। केजरीवाल जी ने हर बार ईडी से पूछा कि किस संदर्भ में आप हमें संबंध भेज रहे हैं, वो क्लियर किया जाए। हर बार हर संबंध का उनको जवाब दिया गया, मगर ईडी की तरफ से कोई भी संबंध का उनको क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया। और वो पहले आप गुलरे शेख जी, मैं आपके में नहीं बोली, आपने जो मन में आया बोला, मैंने आपसे एक बार भी कुछ नहीं बोला। इस समय बीच में मत बोले, इस समय बीच में मत बोले, आप क्या भरा पड़ा है पिंडारा? 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला जो सीएजी से प्रमाणित है, आज तक उस पर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। व्यापक घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला है, 69 लोग मर गए जिसमें, उसमें आपकी कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए कृपया करके जो गले तक सर तक डूबे हुए भ्रष्टाचार में, वो तो अपने बात बीच में ना बोले, मुझे अपना पक्ष रख लेते हैं, बीच में बोलिएगा नहीं, थोड़ा तमीज सीखिए, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल शांत रहिए। आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा, आपके गलत बोलने से गलत नहीं हो जाएगा। 1.5 साल से जिस ईडी ने, गुनाह पे मनीष सिसोदिया को वो कर रखा है अरेस्ट, उसकी एक भी प्रूफ, एक भी प्रमाण वो आज तक पेश नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के बराबर उन्हें डांट पड़ रही है, जिन्हें बराबर फटकार पड़ रही है, उसी केस पे उन्होंने संजय सिंह को किया, उसके भी आज तक कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाए, उसी केस पे उन्होंने जो है आज अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ा है, उस पर भी कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। चीजें सही नहीं होती है, शांत रहिए। रीना सक्सेना जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास प्रूफ है, आप कहते व्यापम घोटाला हुआ, करोड़ों के घोटाले हुए, तो आप कोर्ट में लगा दीजिए। लगाए ना, कोर्ट में भी लगे हैं, आपको क्या पता नहीं कि कोर्ट में कितने केस चले, मगर सीबीआई और ईडी इनके हाथ में। पोषण आहार घोटाले का आम आदमी पार्टी ने दिया है कि इनके खिलाफ तत्काल दिया गया, राज्यपाल को भी दिया गया उसमें, और सबको यहाँ पे दिया गया, मगर आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पोषण आहार घोटाला आम आदमी पार्टी ने निकाला, सीजेआई ने निकाला, वो उसने निकाला है सेंट्रल, उसने, मगर ये जो है बिल्कुल आपके नेताओं को, अरे आप तो बोले जी, लोकसभा के चुनाव में जनता जो आप लोगों को जवाब देगी ना, एक ईमानदार जनता के प्रिय नेता को आप लोगों ने पकड़ा है, जबरिया अंदर किया है ना, बोले सिंह जी आप शर्मसार हो जाएंगे, 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, एक बार जनता जवाब देगी। कांग्रेस प्रवक्ता है केदार सरोही, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, केदार सरोही जी से जवाब ले लेता हूँ। केदार सरोही जी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या कांग्रेस उसका साथ देगी? कांग्रेस सही मानती है, गलत मानती है? और गुरेश सिंह जी रोकना चाहूंगा, रीना सक्सेना जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, केदार सरोही जी से सुन लेते हैं, गुरेश सिंह जी सुन लीजिए, रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी सुन लीजिए, गुरेश सिंह जी आपको भी रोकना चाहूंगा, केदार सरोही जी देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। भाजपा हमेशा एक तरीके की वॉशिंग मशीन की तरह है, जो उनके पास जाता है उनका
पूरा जो गुनाह है वो माफ हो जाता। अभी गुलरेज ने कहा जी कि वो चोर होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, तो मैं भी चौकीदार नारा क्यों आया था, जब देश में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, कारपोरेट टैक्स में छूट देने के माध्यम से बड़े स्तर पर चोरी के आरोप लगे, तो वो तो खुद मैं भी चौकीदार जी देश का जब नारा था, चौकीदार ही चोर है, तो वो खुद चौकीदार बन गए। जब भी इनके ऊपर कोई बात आती है ये अपने आप को पाक साफ निकल जाते, ये अपने आप को नैतिकता सिद्धांत की पराकाष्ठा को चलकर राजनीति करने वाले लोग हैं, तो अगर इनके ऊपर कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, ये तो हरिश्चंद्र की तरह है ना, अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो इन्हें तो तुरंत के तुरंत उस आरोप के उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बताइए अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसमें मदन लाल कंपनी का मैं जिक्र करूंगा जी, उसका जो 2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और उसमें 200 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। अब आप देखिए भाजपा में जाने वाले जी जो नेता हैं उनमें आप शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, येदुरप्पा, संजय राठौर, विजय कुमार गावित, प्रवीण छगन भुजबल, हार्दिक पटेल, अजीत पवार, नारायण राणे, हिम्मत बिस्वा, सोमन चटर्जी, जितेंद्र तिवारी जी, इनकी पार्टी में है और पाकिस्तान में बिल्कुल झूठ के घूमे हो गए, मतलब इधर से डालो उधर निकल रहा है, ये क्या है प्यारा। सवाल ये है देखिए, अभी एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने का संवैधानिक बातों का जो बातें भाजपा करती है, गांधी जी के सिद्धांतों की बातें विदेश में जाके करती है, अभी जब चुनाव का दौर है, आचार संहिता लग गई है, जनरल इलेक्शन देश में होने पर है, उस समय ऐसी क्या मजबूरी आई है जो हर जगह, ये एक नहीं है, झारखंड में क्या हुआ, इधर चंडीगढ़ में क्या कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में ये लोग, दूसरे राज्यों में इनका क्या क्या स्थिति है। तो भाजपा जो है अभी बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है और इनको लग रहा है कि ये सत्ता से बाहर हो रहे। और एक बात मैं बता दूंगा, इन्होंने जो पेड़ लगाए हैं ये पेड़ के फल इन्हीं को ही खाने पड़ेंगे। जी जी गुलरे शेख जी, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ईडी सीबीआई को आगे कर देते, साथ ही एक और सवाल लूंगा आपसे, वॉशिंग मशीन आपकी पार्टी को बोला जा रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में जाते हैं दूध पाक साफ हो जाते हैं, उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसमें येदुरप्पा है, रेड्डी है, रेड्डी ब्रदर्स है। गुलरे शेख जी, रीना सक्सेना जी लगता आवाज नहीं आ पा रही, गुलरे शेख जी की, केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं, कोर्ट है आपके पास, आप कोर्ट की शरण ले लीजिए। कोर्ट की शरण ली है, कोर्ट पर ही विश्वास है जी। उसी विश्वास को देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय जितनी नीचता पर उतर सकती थी उतर गई है, वो उसे इससे मतलब नहीं है कि जनहित में काम हो रहा है दिल्ली में उसे वो अच्छा नहीं लग रहा है, जनता को सुविधाएं दे रही है सरकार वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, जनता के लिए काम कर रही है, उनके गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को हम। लेकिन ईडी ने आरोप लगाया है कि 338 करोड़ का शराब घोटाला है, इसको लेकर गिरफ्तारी हुई है, इसका कोई प्रमाण मिला आज 1.5 साल, आज इस बात को होते होते 3 साल हो गए मगर अभी तक ये कोई प्रमाण नहीं ला पाए हैं। अगर कोई घोटाला होता और दिखता तो कहीं ना कहीं तो उसका ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं तो उसका दिखता, जैसे कि पोषण आहार घोटाला 110 करोड़ का है, क्लियर दिख रहा है, सीएजी ने बता दिया कि क्लियर है, किसी ना किसी अकाउंट में तो दिखता। आज 1.5 साल से सीबीआई ईडी सिर्फ केंद्र सरकार के दबाव में आकर जबरिया परेशान कर रही है, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय बराबर उनको डांट रहा है कि आप अभी तक कोई वो प्रमाण नहीं पेश कर पाए, और बिना प्रमाण पेश किए किसी को भी जेल में रखना अनैतिकता है, ये ध्यान रखिएगा, बिना प्रमाण के बिना सबूत के आप किसी को भी इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है। तो आप क्या कहना चाह रही, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जेल में रखा जा रहा है, कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है? बिल्कुल, आपको दिख रहा है ना ये धीरे पूरी पूरी तानाशाही है, और ये आईएन जो है लोकसभा चुनाव के समय ही गिरफ्तार किया जाना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी हार से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उसको यह समझ में आया कि अगर हमने केजरीवाल को इस समय जेल में नहीं डाला तो हमारे हाथ से दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल, ये सारे प्रदेश निकल जाएंगे, जो ये बड़े गर्व से, वैसे तो असंवैधानिक था लोकसभा में
ये बोलना कि 400 पार वो कोई मंच नहीं था, वहां 400 पार का नारा देना ये भी संविधान के खिलाफ है, मगर वो भी प्रधानमंत्री के मुख के द्वारा। तो ये आप देख रहे हो कि कहीं पे भी संविधान की कोई रेस्पेक्ट नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी फॉलो नहीं कर रही है, और वो निरंतर हम लोग देखते आ रहे, चाहे मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, चाहे संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, आज भी एक भी रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं भी एक रुपए का प्रमाण इनको एक नहीं मिला है, 25 पैसे का भी प्रमाण नहीं मिला, एक रुपया तो बहुत बड़ी बात है। कल भी अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ 4 घंटे इन लोग ने किया, उससे पहले भी पूर्व में कईयों बार कर चुके उनके ऑफिस में, उनके घर में, ये पहली तो थी नहीं रेट जिसे आप देख रहे हैं। 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से कई बार 28 हमारे विधायक जेल में भेज दिए, जो कोर्ट के द्वारा बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, उनपे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसके अलावा उन्होंने कितनी बार इनपे केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री के, कभी ऐसा हुआ है आज तक इस इतिहास में नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय निवास पर ऐसी रेट डाली गई हो। जी गुलेश सेठ जी, इतिहास का सबसे काला दिवस है। गुलेश सेठ जी जुड़ गए। गुलेश सेठ जी, आपकी पार्टी वॉशिंग मशीन का काम करती है, जितने भी भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आते हैं पाक हो जाते हैं, और अगर नहीं आते तो उनके ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। जी जी बोलिए। जो जल रहा है, रीना सक्सेना जी रुकना चाह रही है, रीना सक्सेना जी सुन लीजिए, गुलेश सेठ जी बोलिए। देखिए कोई भी क्यों ना हो, जो अगर हमारे दल में भी आता है तो अगली परीक्षा देनी पड़ती है। आज दे तो रहे हैं अगली परीक्षा, अजीत पवार जी जितने लगा रहे थे उनको, अजीत उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, आपकी गोदी में आके बैठ गए, वो पाक साफ हो गए। तो ये एक्टिविस्ट लोग थे ना, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, कोई भी बीजेपी का नेता तो क्यों बैठे आपकी गोद में, रीना सक्सेना जी सुनिए, जीएसटी में हुए घोटाले पर बात मनी लॉन्ड्रिंग 16,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस उछल के जनता के सामने ना आए। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी ने घूस खा के मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इतना ज्यादा इन्होंने लिया है, आपका अभी भी है घूस के रूप में, उसको दबाने के लिए कल अरविंद केजरीवाल गुलेश बोले। मैं अजीत तिरोही से ये पूछना चाहता हूँ, तिरोही से, कि आपके कांग्रेस के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और आज के भी वरिष्ठ नेता वो कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, उनका 2 महीने पहले स्टैंड था कि केजरीवाल को गिरफ्तार होना चाहिए लीकर मामले में, क्या अब आपका स्टैंड वो बदल चुका है जब से आपका गठबंधन हुआ है केजरीवाल की पार्टी के साथ, स्पष्ट करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग ये कह रहे हैं कि जांच हो, कानूनन जांच हो, पर अभी जो टाइमिंग दी है आप ये बताइए इलेक्ट्रल कोड पर बात क्यों नहीं हो रही है, जो इलेक्ट्रल कोड में जो भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप जी जी बताइए इलेक्ट्रल कोड में क्यों नहीं, आप क्या सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं आपके नेताओं पर, सारी इलेक्ट्रल डिपार्टमेंट भारत में आप बन नेता पे डाल रहे हैं छापे, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे, पेड़ के फल खाने पड़ेंगे हम लोगों को, कल तक अजय आपको इसके पेड़ के फल खाने पड़ेंगे, आपने संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ी है, देश के कानून को साइड में किया, एक ताना सा जो हम लोग आरोप लगाते आए हैं कि मोदी ने, एक ताना सा है वो ताना साहब का सीधा सीधा रूप यहाँ देखने को हमको मिल रहा है। गुलरेश सेठ जी, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा आपकी पार्टी में आ गए, जांच कहाँ चली गई, अब आरोप तो इन पर भी लगे थे। शुभेंदु अधिकारी के विषय में आपको मैं कहता हूँ, कुछ समय पहले उनको बुलाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, वो गए थे, हमारे नेता क्वेश्चनिंग के लिए अगर बुलाया जाता है तो चुपचाप जाते हैं। साहब आप क्या क्वेश्चनिंग होती कहाँ है, ना ईडी आती है ना सीबीआई आती है, आपके 110 करोड़ के पोषण आहार घोटाले पे शिवराज क्या कौन सा छापा पड़ गया, व्यापक घोटाले पे कौन सा छापा पड़ गया, डॉक्टर घोटाले पे कौन सा छापा पड़ गया, रेत उत्खनन पे कौन सा छापा पड़ गया, करोड़ों के घोटाले किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 900 करोड़ का मकान बनाने प्रधानमंत्री जी अपना स्वयं का जनता के पैसे से, उस पे कौन सा छापा पड़ गया, एक तरफ वो कहते हैं मैं, रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी जवाब दे लेने दीजिए, जवाब दे लेने दीजिए, अपना स्वयं निवास, गुलरे शेख को जवाब दे लेने दीजिए, रुकना चाहूंगा आप दोनों, गुलरे शेख जी जवाब दीजिए, कौन महिला है जो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही है,
आपके आपके बात का जवाब दे रही हूँ। आपने जिस तरीके से रीना सक्सेना जी सुन लीजिए, सुन लीजिए जवाब तो सुन लीजिए, रीना सक्सेना जी जवाब सुन लीजिए। शालीनता से बात करते तो शालीनता से जवाब मिलता आपको। अब सुन लीजिए, अब जवाब तो सुन लीजिए। गुलरे शेख जी बोलिए, केदार सिंह जी आपको भी रोकना चाहूंगा, रीना सक्सेना जी सुन लीजिए, बोलिए गुलरे सिंह। ये सब क्या है, एक थाली के चट्टे बट्टे जी। दो महीने पहले अजय मकान, ये तो रप्पा आपकी थाली के चट्टे बट्टे नहीं है। रीना सक्सेना जी, रीना सक्सेना जी, वो आपकी पार्टी में आते ही शांत हो, बढ़िया हो गए, शुद्ध हो गए। अजीत पवार आपकी पार्टी में आते ही बिल्कुल बढ़िया हो गए। एक का भी हुंडा नहीं खोला आपके पास, हजारों पड़े पड़े हैं आपके पास। रीना सक्सेना जी सुन तो लीजिए, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए। रीना सक्सेना जी सुन लीजिए, आपका नंबर आए तब आप बोलिए। गुलरेश सिंह जी जवाब पूरा करिए, आप जवाब पूरा करिए। रीना सक्सेना जी रोकना चाहूंगा, केदार सरोही जी आपको भी सुन लीजिए, पहले इनको बोल लेते हैं क्या बोलना है, फिर मैं बोलूंगा। आप तो गुलरेश सिंह जी जवाब दे दीजिए कि जो आपकी पार्टी में भ्रष्ट नेता आते हैं वो आके शुद्ध हो जाते हैं, बस इस बात का एक जवाब दे दीजिए। बस मेरे को तो यही जवाब चाहिए जी। गुलरेश सिंह जी जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब आने दीजिए। रीना सक्सेना जी जवाब आने दीजिए, जवाब। बीजेपी का कभी भी सही बात पे जवाब कभी नहीं आएगा, उनका हमेशा ऑडियो खराब हो जाएगा। सही बात का जवाब देने पे वो मुंह को जाते हैं। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो लोग, नहीं बोलेंगे। इसका प्रॉब्लम है, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी डिबेट हो तो बीच में बोलो। गुलरेज आते ही रीना जी के बीच में बोलने लगे, पहले जब वो बोले तो कोई नहीं उनके बीच में बोला, सब लोग बोल रहे थे। जैसे ही रीना जी केदार सरोही जी, केदार सरोही जी, राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए, सोनिया गांधी जी ईडी के सामने पेश हुए, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन। देखिए मेरा ये कहना है कि हम लोगों को जब भी आया, हम लोग हमारे कागज से संतुष्ट थे जी। उनके अब वो जो कागज उनको मिलने चाहिए उस कागज से वो संतुष्ट नहीं हुए। देखिए देश जो चलता है वो कागज से चलता है। सरकार का मतलब ये नहीं कि मौखिक कुछ भी बोल दिया, ये तो भाजपा के लिए तिजोरी होती है, कुछ भी जो बोलना है वो बोल दिया, आगे बढ़ गए, उसका नियम नहीं होता है। कागज का आदान प्रदान होता है, लेटर का आदान प्रदान होता है, नियमों का उल्लेख होता है। और आप एक मुख्यमंत्री प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से उठा के एक जो नई तरह की प्रथा शुरू की है, इस प्रथा का दुष्परिणाम आगे बहुत सी जगह आएगा। हम हमारा ये कहना है, हमारा मत इसमें स्पष्ट है कि इसमें अभी टाइमिंग, क्योंकि आप इलेक्ट्रल वोट का मामला पूरे देश में बच्चों के बीच में आ चुका है, छोटा बच्चा भी घर में है तो वो बता रहा है कि भाजपा ने इसमें घोटाला किया है, भाजपा के लोग इससे मिले हुए है, चंदा दो धंधा लो जी का नारा जी, बच्चा बच्चा जी जुड़ जाए। बुलेश सिंह जी, लोगों ने ये काम किया, हेडलाइन दबाने का काम करती है भाजपा, इससे ज्यादा लगातार आरोप लग रहा है। जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते हैं पाक हो जाते हैं, चंदा दो और धंधा लो कांग्रेस लगातार कह रही। बुलेश सिंह जी जब उनसे सफाई मांगी जाए, बुलेश सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो ये उनकी साजिश है। अब उन्हें आ रही, आ रही, रीना सक्सेना जी सुन लीजिए, आ रही आवाज, बोलिए। ये जितने भी चोटों के प्रवक्ता है ना, ये इसी प्रकार से हल्ला करते हैं। एनी वेज आपको बोलने की तकलीफ नहीं है, क्यों आए हैं आप डिबेट में? वो भी चोरी कर रहा है, उसको चोट्टा ही कहा जा रहा है। आप तो सबसे बड़े चोर हैं भाई, आरोप सिद्ध बोले से जी, बोले से जी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आप चोर कर रहे हैं। एक तो बोलने की मर्यादा सीखी है, बोले से भी आइए बाहर, प्रवक्ता बने हैं, प्रवक्ता की मर्यादा को निभाना सीखी है। ये की जा रही थी, क्या होता है, आप क्या छोटे बच्चे हैं? बोलने का तरीका नहीं आता है। केजरीवाल के घर पे मिला डॉक्यूमेंट, उसमें ईडी के अधिकारियों के नाम लिखे थे, तो क्या उनके ऊपर भी आप स्नूपिंग कर रहे थे, उनपे जासूसी की जा रही थी? और आप ये बताइए ना कि जब सब चीजें सामने हैं, ये शिकायत हमने नहीं की, आपकी दिल्ली की सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया था लेफ्टिनेंट जनरल को, और जब लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि सीबीआई से जांच हो तो कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी है। दो महीने पहले तक कांग्रेस के अजय मकान कहते हैं कि इस आदमी को गिरफ्तार करो, और अब इनका जब समझौता हुआ इंडिया गठबंधन के तहत, तो अब ये फेवर कर रहे हैं। तो जनता देख रही है कि कैसे चोर चोर मसाले भरे होते हैं। ऐसा लग रहा है गुलरेश सिंह जी, इंडिया गठबंधन बना है,
बढ़िया गठबंधन बना है उसे तोड़ने के लिए बीजेपी कार्रवाई करवा रही है। मुख्यमंत्री जनता का प्रिय मुख्यमंत्री को जो आपने अरेस्ट करवाया है ना, उसका जवाब दिल्ली की जनता आपको बराबर देगी। हो सकता है देश की जनता मध्य प्रदेश की जनता क्योंकि आज दिल्ली की जनता में मध्य प्रदेश की जनता भी शामिल है, उसको भी पता है। आप 150 करोड़ जनता को, भारत की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अपने बातें करके अपने लच्छेदार बातों में जो जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। जो 1.5 साल से सबूत नहीं पेश कर पाई, समय का अभाव है, समय का अभाव है। आप तीनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। गुलरेज शेख जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका शुक्रिया। रीना सक्सेना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ केदार सिरोही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को जबरन अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल के लिए हमारे इस बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।